नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास सिटी अभी बनने वाली है, और हमारे साथ मौजूद हैं ताराचंद जी और पूरी टीम है, ये विभिन्न शहरों से आज विजिट के लिए आए हैं। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा। सर अभी हम खड़े हुए हैं ABCD बिल्डिंग, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। पूरे शहर को यहाँ से कंट्रोलिंग किया जाएगा, पूरा शहर सेंसर बेस कनेक्टेड है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। जैसे किसी को नई इंडस्ट्री डालनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम है ABCD, जहाँ से सारे क्लियरेंस एक ही जगह से। सिंगल विंडो सिस्टम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कभी उस ऑफिस में जाओ कभी उस ऑफिस में जाओ। नहीं नहीं सर, एक ही सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया यहाँ पे ABCD बिल्डिंग पे आके, और यहाँ एक सिंगल विंडो पे आके हम लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और शॉर्ट टाइम के अंदर सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। ये वो बिल्डिंग है ABCD, और पूरे शहर को सेंसर बेस कनेक्टेड किया जा रहा है। सारे सेंसर इसी से कनेक्ट किए जाएंगे, जो एक ही जगह से पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस शहर में और क्या क्या खासियत होंगी? इसमें पूरा इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, जहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम पूरा डेवलप किया जा रहा है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ की अगर बात करें तो सस्टेनेबल शहर होगा, पूरी दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जो आत्मनिर्भर शहर होगा। लाइट आज इन्होंने खुद उत्पादन कर लिया, ग्रीन एनर्जी, जिससे पूरे शहर के लिए इन्होंने व्यवस्था कर ली। पानी की आज इन्होंने स्टॉर्म वाटर कलेक्शन कर लिया, बारिश के पानी को कलेक्ट कर लिया, और 100% कलेक्शन ड्रेनेज और रिवर के माध्यम से किया, जिससे पानी की व्यवस्था की जाएगी। और इन्होंने गैसों का उत्पादन खुद कर लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, जिससे गैसों की सप्लाई भी खुद अपना उत्पादन कर लिया, ये किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। इसके बाद में इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, इसको इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए दुनिया की बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, और इस लेवल से शहर को यहाँ पर पूरा तैयार किया जा रहा है। तो लोगों की भगदड़ मची हुई है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, यहाँ परचेजिंग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यहाँ पे परचेजिंग आज ये राइट टाइम है। रियल इस्टेट में हम जानते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी शहर के अंदर आज हम देखें, जहाँ पे इंफ्रा आता है वहाँ पे रियल इस्टेट ग्रो करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, कहीं एक बाईपास रोड निकल जाए, रियल इस्टेट रातों रात ग्रो करता है। लेकिन यहाँ की हम बात करें तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी देखते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो धोलेरा में बनाया जा रहा है, जो इंटरनेशनल विथ कार्गो की गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगर हम देखें तो यहाँ विश्व का फर्स्ट CNG एयरपोर्ट भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, जो धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद में देखा जाए यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ग्लोबली कनेक्टेड किया जा रहा है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, और नेशनल कनेक्टिविटी में DMIC कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और DFC कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर धोलेरा को दिया जा रहा है। यानी 360 डिग्री से पूरे शहर को कनेक्टेड किया जा रहा है, और ये ग्लोबली कनेक्टेड शहर होगा। और आज इसकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से आज इस शहर को प्लैटिनम रेटेड मिल चुका है, और ये इंडिया का फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड शहर है जो धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है। तो रियल इस्टेट में यहाँ पर आने वाला समय आज राइट टाइम है, और आने वाले जैसे एयरपोर्ट चालू होगा, रियल इस्टेट एक ट्रिगर लगता है प्रॉपर रियल इस्टेट में। जैसे एक्सप्रेसवे चालू होगा 18 महीने के बाद, तो ट्रिगर लगेगा, प्रॉपर्टी कई गुना जाएगी। उसके बाद में 4 साल में एयरपोर्ट चालू होगा, ट्रिगर लगेगा, मेट्रो भी आएगी, ट्रिगर लगेगा। तो यहाँ पर अभी कई ट्रिगर लगने वाले हैं जो वर्ल्ड क्लास ट्रिगर होंगे। तो रियल इस्टेट यहाँ पर संभावनाएँ असीमित हैं, जहाँ कोई हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, बहुत असीमित संभावनाएँ हैं, और जहाँ रियल इस्टेट बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रो करेगा। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा आपको लग रहा है आने वाला समय यहाँ का? बहुत ज़्यादा उज्ज्वल नज़र आने लग रहा है सर मेरे को, तो एक अलग ही सिटी बनने जाने लग रहा है इंडिया में, तो अभी इस प्रकार की कोई सिटी डेवलप हुई ही नहीं है। और आने वाले टाइम में जो यहाँ नज़र आने लगी है, जिस स्पीड से काम होने लग रहा है शहर में, उसके अकॉर्डिंग 2025
2024 तक मेरे को आइडिया है कि यहाँ नज़ारा ही कुछ। इंडिया की नहीं सर, दुनिया की सबसे बड़ी सिटी बनने जा रही, क्या कहना चाहेंगे? विजिट किया सर हमने, और जो लगा कि जो इन्वेस्टमेंट का जो मौका है वो डॉलर के अंदर आज बहुत शानदार मौका है। और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी है, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है, या इंग्लैंड के बड़े बड़े शहर हैं, एक ऐसा इंटरनेशनल सिटी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर मैं बोलूँगा धोलेरा बनने जा रहा है। और जो सर ने बताया अभी, इन्होंने कुछ छोटा नहीं है कि हम इसमें कुछ स्पेशल बताएं, इन्होंने सारी बातें जो बताई वो रियल हैं, हमने अपनी आंखों से देखी। और मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि हर कोने से ऐसा ना हो कि विदेशी आए और इस शहर पर कब्जा कर लें। ये भारत में होते हुए विदेशियों का शहर कहलाए, उससे अच्छा है कि आप सही मौके पर आइए, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया, जो भी साउथ इंडिया है, वो आए और इसको एक खूबसूरत शहर बनाए, मोदी का सपना सच करें। और मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी को कि इतनी बड़ी सोच, जो स्केल उन्होंने दिखाया, जो स्पीड यहाँ पे देखने को मिली, वो लाजवाब है, अल्टीमेट है। सैल्यूट करते हैं मोदी सर को कि ये एक सपना पूरा हो रहा है हिंदुस्तान का। आज मोदी जी जो कहते थे गुजरात का भाई नक्शा आप देखें तो गुजरात की सही तस्वीर ये अब सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो अभी शुरुआत है, जो ग्रीन स्मार्ट सिटी तैयार हो रही है ऐसी ही 100 सिटी और तैयार होंगी। तो एक बार जरूर विजिट करें, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में देखें, एक बार धोलेरा को जरूर विजिट करें, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेगा, एक तरह एक्सपीरियंस शानदार आपका विजिट भी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद सर, स्वागत है सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो आज आप पहली दफ़ा आए हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा आपसे भी सलाह लेना चाहूँगा कि जैसा आपको इसके बारे में बताया गया था, तो मैं बताऊँगा ही आपको, जैसा आपको इसके बारे में बताया गया था, क्या ऐसा आपने यहाँ के देखा है? उससे तो और बहुत कुछ है आगे मिला। तो मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं यहाँ 2018 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और 2018 में मेरे सामने देखते देखते ज़मीनों के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, उसका मुझे सब कुछ पता है। कुछ हमारे बीच रोशन जी भाई हैं, भैया हैं, पिछली दफ़ा आए थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये जानते हैं, जिनको मैं एक साल पहले प्रॉपर्टी दी थी, आज वो डबल के रेट पर बैठे हुए हैं सिर्फ एक साल के अंदर। और मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ अपने भाइयों को, यूपी हरियाणा पंजाब जो भी अपनी बेल्ट है, आज मौका है, भविष्य है, फ्यूचर है, बच्चों के लिए भविष्य है। आज जो इन्वेस्टमेंट कर जाएगा वो आने वाले साल दो साल में उनके बजट में नहीं रहेगी, आज वो ले सकता है, दो साल बाद ही ये भविष्य है यहाँ का कि दो साल बाद वो प्रॉपर्टी पे सोचेगा पर ले नहीं सकता, ये कह सकता हूँ। आज ले सकते हैं, आज रीजनेबल रेट है, आज रीजनेबल रेट और सही टाइम है, राइट टाइम। क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये तो मैं सबसे पहले तो अपने हरियाणा धाकड़ को यही कह दूं कि जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है ना वो लगा ले, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। मौका है, मौका है, कभी मौका चूक जाए, मौका चूकना नहीं चाहिए। दो चार साल बाद से भाई साहब ने जो बात बताई है, देख सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। अब भांगे बाड़ा है जो चीज वो खरीद, यानी देख देख सके बाद में मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, लेने का व्यवस्था नहीं बनेगा अपना सर। तो अपने पास बहुत बेस्ट मौका हरियाणा वालों के लिए खासकर, और लेने लग रही है, भगवान राजी रहे तो पार है। तो भाई दुनिया का सबसे बढ़िया सिटी बन जा रहा है भाई धोलेरा, और भाई मौका से ये भी मौका चूक गया तो फिर हाथ नहीं आवेगा, तो बना लियो प्रोग्राम, पहुंच जाओ धोलेरा। धन्यवाद।